अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, तुम बच्चे सर्वशक्तिमान बाप को क्या सदा अपने साथ अनुभव करते हो या कभी कभी करते हो? जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वो कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे, अर्थात किसी सेवा में कभी किसी देहधारी का आधार नहीं लेंगे। हाँ, मर्यादा प्रमाण या संगठन प्रमाण आपस में सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में कोई देहधारी की याद आए या ऐसा विचार चले कि फलाना व्यक्ति मुझे स्थिति से पार कराएगा, राय देगा, कोई सहारा देगा, तो इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिमान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। नहीं तो सदा साथ रहने वाले को हर संकल्प में, रूरिहान में बाबा ही याद आएगा, जबकि बाप ने डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा किया है तो इस वायदे का फायदा उठाना चाहिए। बाबा ने कहा, याद रखना, सिर्फ इस समय ही तुम बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव कर सकते हो। बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, फिर सारे कल्प में ये चांस नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे कोई भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सदा बाबा बाबा करते रहो। इसको ही कहा जाता है निरंतर योगी। हर एक स्वयं से पूछे, क्या मैं ऐसा निरंतर योगी बना हूं? निरंतर योगी अर्थात सदा बाप के साथ। जो सदा साथ रहेंगे वो हल्के और लाइट रूप रहेंगे, क्योंकि बाप तो है ही लाइट रूप। वह लाइट आपके सारे बोझ उठाने के लिए अभी ऑफर कर रहे हैं, तो सारे बोझ उनको देकर हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो। जब ऐसे व्यर्थ किचड़े से खाली रहेंगे तभी बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।